सा धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा साउंड, हम पिच बढ़ा रहे हैं, फिर वापस आएंगे सा नी धा पा म ग रे सा, तो इसको बोलते हैं अवरोह। तो असेंडिंग यानी जाना, जाने को क्या बोलते हैं आरोह, अलंकार में क्या होता है आरोह अवरोह बजाएंगे, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सेवन नोट्स को बजाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से आपको आप लगातार बजाएंगे इसको 10 बार 20 बार, जब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा, आप गाने के साथ साथ इसको बजाएंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि आप इसको अच्छे से बजाने ना लगे, आगे नहीं बढ़ना है। और ये जो हवा आप दे रहे हैं एयर, इसको धीरे धीरे हमें देना है, कभी जोर से इसको नहीं ब्लो करना है, कभी जोर से इसको धीरे धीरे बिल्कुल सा। देखिए मैं कैसे धीरे धीरे एयर को ले रहा हूं, बाहर की एयर को, और कंटिन्यूअसली लेते रहना है इसको बाहर हवा को। तो इसी तरह अलंकार, और भी अलंकार के पैटर्न्स हैं। इसके बाद इसको डबल डबल बजाना है, कैसे सा सा रे रे ग ग म म प प द द सा सा नी नी द द प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म प प द द नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तो इस तरह अलंकार के जो भी जितने भी पैटर्न्स हैं उसको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ सा रे ग म प ध नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सबसे स्लो की स्पीड क्या होगी, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये सिंगल स्पीड हो गई। अब इसका डबल सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग। इसका डबल सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प। इसका डबल सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध सा नी ध प म ग रे सा। तो इस तरह से तीनों सप्तक में आपको ये सारे गामा प ध नी सा कंटिन्यूअस फॉर्म में बजाना है, यानी विदाउट ब्रेक, कहीं भी रुकना नहीं है। और सबसे पहले स्लो स्पीड करिए, जब स्लो में 10-20 बार आप बजा लें फिर उसकी डबल ट्राई करिए, लेकिन डबल ट्राई कब करना है, जब आप स्लो में अच्छे से पहले बजा पा रहे हो।